बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। जी हाँ नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त बहन भाई, मेरे तमाम सब्सक्राइबर सब खैरियत आफियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात इस बे औलादी को दुनिया से ख़त्म फरमा दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा हूँ जो कि अक्सर मुझे ख़वातीन मैसेज करके पूछती हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो कि आपने थंबनेल पर देखा है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जल्द अज जल्द कंसीव कर सकते हैं उस दिन को फाइंड आउट करने के बाद। मोस्टली ख़वातीन यही सवाल करती हैं कि सर हमें माहवारी के कितने दिन बाद मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ वो ये भी कहती हैं कि सर मैंने जब पहले दिन नहाया था यानी कि 7 दिन कम्प्लीट हो गए थे तो नहाने के फ़ौरन बाद मैं मिली हूँ, क्या इस दिन में मेरी प्रेगनेंसी ठहरना मुमकिन है? तो ये भी आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि इसमें क्या लॉजिक है, लेकिन थोड़ा सा आपने वीडियो को तसल्ली से समझना है, कंप्लीट देखना है, इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमारी मोटिवेशन के लिए काइंडली आप वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, नीचे दिया गया रेड कलर का जो बटन है वो भी प्रेस कर लें। अगर आप हमसे बात करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के ऊपर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप यहां से विज़िट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, मोस्टली ख़वातीन ये कहती हैं नहा लेती हूं तो उसके बाद मैं अपने मियां से मिलती हूं, कि इसमें प्रेगनेंसी मुमकिन है? तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अगर आप एक दफ़ा तब मिलाप करोगे और उसके बाद आप नहीं करते तो फिर ये प्रेगनेंसी ठहरना मुमकिन नहीं है। मोस्टली जो आजकल की डाइट्स चल रही हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि जो प्रेगनेंसी ठहराने के लिए जरासीम की जो क्वांटिटी है वो 5 दिन तक, या मोर्टेलिटी इतनी अच्छी हो कि वो 5 दिन तक अंदर तैरते रहें, स्विम करते रहें। क्योंकि प्रेगनेंसी ठहरने के लिए आपको मेल के जो जरासीम होते हैं और फीमेल का जो एग होता है वो तकरीबन 4 घंटे इकट्ठा रहना होता है, और अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। लेकिन जो ख़वातीन होती हैं वो कहती हैं कि मुझे काफ़ी औरतों ने कहा है, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 8वें दिन मिलते हो और आपकी ओवुलेशन 13वें दिन होती है तो 5 दिन जो है जरासीम अंदर स्विम नहीं करते, क्योंकि 13वें दिन की तसल्ली नहीं है। अगर आपकी पीरियड साइकिल जो है वो 28 दिन की है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ओवुलेशन 13वें दिन होगी। अगर आपकी ओवुलेशन 15वें दिन या 14वें दिन होती हैं तो आप देखें कि 6 दिन कैसे वजाइना के अंदर जो है जरासीम ज़िंदा रह सकते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप बेशक जो है पहले दिन मिलाप करें, लेकिन ये एक रूटीन बनाएं, एक सीक्वेंस बनाएं कि जब आप पीरियड से फ्री हो जाते हो तो आपके पास स्पेशल 2 वीक बचते हैं, और उन 2 वीक्स के अंदर अंदर आपने 1 दिन छोड़ना होता है तो 1 दिन में आपने मिलना होता है। तो डेफ़िनेटली आपके पास 2 हफ्ते में सिर्फ 1 हफ़्ता बचा, 7 दिन आपने मिलाप करना है, 21वें दिन आपने छोड़ देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं वो बस ये कह देती हैं कि सर ये टाइम हो गया, ये हो गया, वो मतलब जिस तरह से भी आप लगा लें। तो इसीलिए मैं आपको ये टोटली गाइड कर रहा हूँ कि आपको जो है पीरियड्स से फ्री होने के बाद अगर मिलना भी है तो नो डाउट आप मिलें, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ओवुलेशन को फाइंड आउट करने के बाद जो है आप मिलाप करें। इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल आप जल्द अज़ जल्द कंसीव कर लेंगे।